आपदा प्रबंधन में काम आने वाले टेक्निक्स के बारे में श्री सत्य साई संगठन की ओर से महाराष्ट्र के कई जिलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ऐसी जानकारी संगठन की ओर से बीसीएन समक्ष बात करते दरमियान दी गई। श्री सत्य साई संगठन की ओर से आपदा प्रबंधन में काम आने वाले टेक्निक्स के बारे में महाराष्ट्र के कई अलग अलग जिलों में जाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ऐसी जानकारी श्री सत्य साई संगठन की ओर से दी गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि संगठन की ओर से कई जगहों पर ऐसे प्रशिक्षण दिए गए हैं। इस वक्त उन्होंने इस ट्रेनिंग से जुड़ी संपूर्ण जानकारी साझा की। साई राम, श्री सत्य साई सेवा संगठन महाराष्ट्र नागपुर डिस्ट्रिक्ट की ओर से हम लोग आपदा प्रबंधन में काम आने वाली जो कुछ छोटे छोटे टेक्निक्स होते हैं वह सारे अलग अलग महाराष्ट्र राज्य के जिलों में जाकर के बताते हैं। अभी तक हमने कई कैंप्स महाराष्ट्र भर में, मुंबई, गोवा, आपका कोल्हापुर साइड में, इवन आपके शेगांव में हम लोगों ने जाकर के लिए हैं। इसके लिए क्या होता है कि जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपदा आपको बता के नहीं आती है। अगर आप एक ट्रेंड पर्सन रहेंगे तो आप अपने साथ किसी और की भी जान बचा सकेंगे। यही चीज़ हम लोग आज यहाँ पर करने जा रहे हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के लेवल्स होते हैं। पहला हमारा लेवल होता है 2 दिन का ट्रेनिंग, जिसमें हम लोग जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं उनको ट्रेन करते हैं। और दूसरा होता है 3 दिन का ट्रेनिंग, जिसको हम लोग एडवांस कोर्स बोलते हैं, जिसमें जो सारे आप CISF वाले जैसे लोग या NDRF के लोग जिस तरीके से रेस्क्यू करने जाते हैं वो सारे टेक्निक्स हम लोग उसमें बताते हैं। और एक प्रोग्राम हम लोगों ने अभी कुछ सालों से लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजास्टर अवेयरनेस। डिजास्टर अवेयरनेस यानी लोगों के मन में जो भी डर है डिजास्टर को लेकर के, वो दूर करने के लिए उनको इसका नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। वो हमारा 3 से 4 घंटे का एक सेशन होता है पूरे दिन में जो हम लोग लेते हैं। बीसीएन से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आपदा कभी भी बताकर नहीं आती, जिसको मद्देनजर रखते हुए लोगों को इस बारे में जानकारी हो, इस उद्देश्य से संगठन की ओर से यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, बीसीएन न्यूज नागपुर।